ठीक है, देखो ऑब्जेक्टिव शीट नंबर टू का क्वेश्चन नंबर थ्री जो मैंने अभी आपको दिया प्रैक्टिस करने के लिए, ये क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले थर्ड क्वेश्चन करेंगे। ये चार्जेस हैं, आपको ये बताना है कि फोर्स ऑन अ यूनिट चार्ज केप्ट एट ओ। बहुत लोग बोलते हैं सर जीरो, हम बोल भी रहे थे जीरो, भाई वो जीरो तब है जब चार्जेस एक जैसे हैं तो वो रिपेल करेंगे, आधे तो पॉजिटिव हैं आधे नेगेटिव हैं, तब थोड़ा ना जीरो आंसर होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस वन रखना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब प्लस वन रखें। डायरेक्शन देखते हैं, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो वेक्टर इधर बनेगा, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे तो आपस में कैंसिल, ये तो कट गए, ये चार्ज इसे रिपेल करेगा, ये नेगेटिव इसे अट्रैक्ट करेगा, दोनों वेक्टर्स सेम तरफ है तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आएगा, अलोंग बी डी आ जाएगा। तो पहला आंसर क्लियर होगा, डायरेक्शन क्या है देखनी है वेक्टर से, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है, जैसे सपोज ये क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है, उसने ये नहीं पूछा कि अगर ये मान लो चार्ज जो है, ओ सॉरी ये माइनस क्यू है जतिन, ये माइनस क्यू है, माइनस क्यू और क्यू फोर्स है, उसने ये नहीं पूछा कि इसमें नेट फोर्स निकालो ना, उसने पूछा कि आप फोर्स बताओ ए चार्ज पे कितनी लग रही है इन डायरेक्शन नॉर्मल टू बी सी। तो जब फोर्स निकलेगी वो बी सी की क्या निकलनी चाहिए, परपेंडिकुलर निकलनी चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो क्लियर है यहाँ तक, तो अब आपको क्या करना है इसमें, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू है, ये एक चार्ज कैपिटल क्यू है, आप इस पे फोर्स निकालना चाहते हैं अलोंग वाई एक्सिस यानी कि परपेंडिकुलर टू बी सी। चलो वाई एक्सिस बाद में देखते हैं, नेट फोर्स देखते हैं पहले क्या है। नेट फोर्स निकालने के लिए किसके ऊपर निकालनी है नेट फोर्स, चार्ज क्यू पे, तो सारे वेक्टर किस पे ड्रॉ करने हैं, चार्ज क्यू पे, ये चार्ज इसे रिपेल करेगा, ये नेगेटिव चार्ज सेम मैग्नीट्यूड फोर्स से इसे अट्रैक्ट करेगा, तो एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, अगर ये थीटा तो अल्टरनेट से थीटा, और अगर ये थीटा तो कॉरस्पॉन्डिंग से थीटा, तो ये एंगल बराबर है क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिकल डायग्राम है, तो थीटा 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 थीटा, इस एफ के दो कॉम्पोनेंट होंगे एफ कॉस एफ साइन, इस एफ के दो कॉम्पोनेंट होंगे एफ कॉस एफ साइन, एफ साइन कैंसल, नेट फोर्स टू एफ कॉस थीटा। तो मेरे को नेट फोर्स थोड़ा ना पूछी, मेरे को पूछा फोर्स बताओ परपेंडिकुलर टू बी सी यानी कि वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में फोर्स ही नहीं आएगी क्योंकि एफ साइन थीटा को क्या कर जाएगा, कैंसल, तो आंसर क्या लिखेंगे वाई एक्सिस में, जीरो, आंसर जीरो है। समझ में आ रहा है जीरो क्यों है, क्योंकि आपको नेट फोर्स नहीं निकालनी, आपको वाई एक्सिस यानी कि वेक्टर या फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू बी सी जो नहीं होगी क्योंकि आपस में दोनों वेक्टर्स कैंसिल होंगे, नेट आंसर जीरो होगा। कोई डाउट इसमें जीरो क्यों होगा। अब उसी तरीके से ये एक क्वेश्चन है, बहुत फेमस है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं स्ट्रिंग वाले, एक क्वेश्चन कर लो बाकी सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। इनमें दो स्फेरिकल चार्जेस जो स्फेयर्स हैं जिन पे कैपिटल क्यू चार्ज है, ठीक, और ये 60 डिग्री पे इक्विलिब्रियम में है। ऐसे क्वेश्चन में ये मूवेबल नहीं है, ये इक्विलिब्रियम में गिवन होते हैं। क्यों है इक्विलिब्रियम, ये ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों नहीं है, ऐसे भी तो होते हैं स्ट्रिंग, ऐसे क्यों है, क्योंकि कैपिटल क्यू को क्या कर रहा है, रिपेल, तो ज्यादा रिपेल करेगा तो और एंगल बन जाएगा, 60 डिग्री तक रिपेल किया बस, ये रेस्ट पे है। आपको क्या बताना है इसमें, व्हाट इज टेंशन दिस स्ट्रिंग। धागे के जितने क्वेश्चन है जिसपे स्ट्रेच स्ट्रिंग बोलते हैं उसमें तो टेंशन का कॉन्सेप्ट लगना ही है। तो आपने क्या करना है, डायग्राम ध्यान से देखना, 60 का 30 30 बाइसिमेट्री। अब ये तो है नहीं कि डायग्राम ऐसे बन जाएगा कि क्यों क्यों बनेगा, नहीं बनेगा, सिमेट्री में बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट, तो एंगल बिल्कुल बराबर बराबर बनेंगे 30 एंड 30। तो यहां पर टेंशन टी होगी स्ट्रिंग में, यहां पे भी टेंशन टी होगी स्ट्रिंग में, ये 30 तो वाई एक्सिस के साथ ये एंगल ऑल्टरनेट से 30। टेंशन के कॉम्पोनेंट्स ड्रॉ करने हैं, लॉज ऑफ मोशन किया था, जितनी रस्सियां टेढ़ी हैं उसमें टेंशन के कॉम्पोनेंट्स बनते हैं वाई और एक्स में। तो टी का एक कॉम्पोनेंट टी कॉस थीटा और एक कॉम्पोनेंट टी साइन थीटा। इस बॉडी का वेट क्या है, एम जी, और ये चार्ज इस चार्ज को क्या कर रहा है, रिपेल। तो कौन कौन सी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, टी कॉस थीटा टी साइन थीटा वेट एम जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेम डायग्राम यहां बनेगा, टी 30 30
टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, वेट एम जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्योंकि कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू को क्या करेगा, रिपेल करेगा। कोई डाउट इसमें? डायग्राम क्लियर है? अब क्योंकि इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो, मतलब वाई एक्सिस की फोर्स वाई को कैंसिल करेगी, एक्स की फोर्स एक्स को कैंसिल करेगी। तो इक्वेशन क्या बनेगी, टी कॉस 30 इज इक्वल टू वेट एम जी और टी साइन 30 इज इक्वल टू फोर्स एफ। तो टी कॉस 30 एम जी, टी साइन थीटा ये रहा। अब फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इसमें इसमें दूरी कितनी है आर, जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है आपको। इस क्वेश्चन में ये जो दो चार्जेस तो गिवन है 10 माइक्रोकूलम, चार्ज गिवन है 10 माइक्रोकूलम, आपको लेंथ 1 मीटर ईच गिवन है, जो लंबाई है स्ट्रिंग की वो 1 मीटर गिवन है। तो अगर ये 1 मीटर है, अगर ये डिस्टेंस एक्स है, तो साइन 30 इज एक्स अपॉन 1, तो एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1 इंटू साइन 30, और आर की वैल्यू क्या होगी, एक्स प्लस एक्स 2x। तो x की वैल्यू तो है हमारे पास साइन 30, तो r की वैल्यू 2 इंटू साइन 30। पर एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा आंसर निकाला अभी, वो कह रहा है इतना कर क्यों रहे हो, ये एंगल 60 डिग्री, लेंथ बराबर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो अगर ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, तीसरा भी पक्का 1 मीटर है, तो बिल्कुल सही बोला, तो 1 मीटर सीधा ही बोल दो। तो फोर्स निकालना हमारे लिए ईजी हो जाएगा, आर आ गया, क्यू मुझे गिवन है, आर मुझे मैंने निकाल लिया, ये मुझे पता है, साइन 30 पता है, तो टी की वैल्यू आ गई, बात खत्म। फर्स्ट इक्वेशन चाहिए ही नहीं, सेकेंड इक्वेशन में सारी वैल्यू मेंशन है और टी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। बड़ा वो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, स्ट्रिंग्स के केस में क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, टी कॉस, टी साइन, वेट एम जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बस चार फोर्सेस से काम चलता है। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहाँ तक? जैसे हाँ ठीक है, अब आपको क्या करना है अगली बार के लिए ना, क्वेश्चन नंबर 6-7 होमवर्क मार्क करना, 6-7-8, 10, 6-7-8, 10, 12-13, 12-13, ये आपने प्रॉब्लम्स ट्राई करके आनी है, बाकी इसलिए नहीं करवाई, थोड़ी हार्ड है, कर सको तो कर लेना, मतलब वो मैं ही करवा दूंगा आपको, ठीक है, कर सको ट्राई करके आ जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं पूरी शीट, पर ये तो करके ही आनी है, ये तो आपकी रेंज में है, ये तो ट्राई कर सकते हो। क्या यहाँ तक क्लियर है? ठीक,